हेलो गाइस, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ मे का, नहीं सॉरी, सेकंड एंड थर्ड मे का सेशन एक साथ, क्योंकि अभी मेरी छुट्टी होगी, ईद की का ओकेजन है थर्ड की, तो मैं थर्ड और सेकंड का एक साथ करके जा रही हूँ, है ना। तो आप लोगों का कोई लॉस ना हो, इसलिए मैं दोनों दिन का एक साथ करके जा रही हूँ। और आप, मैं जो लोग, सब लोग मेरी ट्यूटोरियल्स को सुनते हैं, मेरी और राधा दीदी की तरफ से, हम सब की तरफ से ईद मुबारक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आपको पता है, हम इंटरनल सीएसएस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरनल सीएसएस आप सभी जानते हैं। हमने अभी तक बॉडी का कलर चेंज किया था और आपको बताया था, मतलब बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, और हमने बताया था कि इंटरनल सीएसएस का यूज़ कहाँ करते हैं, हेड टैग में। कैसे किया था हमने? नोटपैड खोला था, हमने पहला टैग दिया था लेस एचटीएमएल ग्रेटर, दूसरा दिया था लेस हेड ग्रेटर, और फिर हमने क्या किया था, हमने किया था वहाँ पर एंटर कर दिया था हमने बज़ाहिर, जो जब तक हम वीआर टैग का यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये आपका, ये आपका वेब पेज पे तो नहीं होगा चेंज, लेकिन हाँ आपको, हम यहाँ एंटर कर लेते हैं, नोटपैड में लाइन चेंज हो जाएगी। लाइन चेंज करके मैंने करा था स्टाइल ग्रेटर, आप लेस स्टाइल ग्रेटर कर दें, लेकिन मैंने स्टाइल ग्रेटर कर दिया था, जस्ट स्टाइल टैग को खोला था। और स्टाइल टैग को खोलने के बाद अब यहाँ पर हमने किया था स्टाइल ग्रेटर, और फिर उसके बाद किया था बॉडी, BODY, बॉडी लिखा था बस, इज इक्वल टू कुछ नहीं लगाया था, वो इन लाइनर में लगाया था और एट्रीब्यूट्स में लगाया था। क्या लिखा? स्टाइल ग्रेटर डायरेक्ट टैग का यूज़ किया, फिर बॉडी, फिर हमने किया था लेफ्ट ब्रेस, यानी शिफ्ट और लेफ्ट ब्रैकेट एक साथ, पी के बराबर में होता है, और लेफ्ट ब्रेस करके हमने किया था बैकग्राउंड, क्या किया था, बॉडी किया, फिर बॉडी करके कोलन कर दिया था, कोलन करके लेफ्ट ब्रेस, लेफ्ट ब्रेस के बाद बैकग्राउंड माइनस कलर, और फिर हमने कलर करके फिर कोलन किया, और फिर हमने जो कलर दिया था ब्लू दिया मान लो, तो ब्लू लिखा, ब्लू लिख के कोलन, फिर राइट ब्रेस, यानी शिफ्ट और राइट ब्रैकेट, पी के एक लेफ्ट ब्रैकेट छोड़ के राइट ब्रैकेट होता है, समझ में आया था। हमने क्या किया, हमने स्टाइल ग्रेटर, फिर उसके बाद डायरेक्ट टैग ओपन किया, लेस आप लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि डायरेक्ट टैग मैंने ओपन किया है, ये आप इंटरनल सीएसएस में ही कर सकते हैं बस। फिर उसके बाद हमने किया बॉडी कोलन, बॉडी BODY, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, बॉडी कोलन, फिर लेफ्ट ब्रेस, शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट ब्रैकेट, फिर यहाँ मैंने लिखा बैकग्राउंड माइनस कलर, बैकग्राउंड को उसके कलर के माइनस से करते हैं, उसका कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड माइनस कलर, फिर कोलन किया, फिर मैंने कलर कोई भी देना है, जो वाइट देना है, पिंक देना है, वो लिखा, और फिर कोलन किया, फिर राइट ब्रेस, ये मैंने आपको बताया था, है ना। अब मैंने क्या किया था, याद रखना, जब तक लास्ट में हम स्टाइल टैग को क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी विजुअली इफेक्ट इस पर शो नहीं करेगा, इसलिए ये याद रखना है कि स्टाइल टैग को खोल के किया था हमने ये। फिर उसके बाद हमने टाइटल डाला, अभी हमने ये किया था, टाइटल डाला था, टाइटल को टाइटल देके टाइटल टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी में जो भी लिखा वो हमने सब कुछ, बॉडी में जो लिखा वो हमने लिखा, हेडिंग्स वेडिंग्स सब जो भी लिखना, टेबल फेबल, लिंक वगैरह वगैरह, बटन वटन जो जो भी कुछ लगाया, सबका बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया है वही रहेगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पेज का एक ही बैकग्राउंड कलर ना हो, जैसे बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने मान लो ब्लू रख दिया, तो मेरी हेडिंग्स का कलर जो हो, बैकग्राउंड कलर, वो डिफरेंट हो, क्या हो, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो, तो क्या करेंगे। तो अब हम राइट ब्रेस तो कर चुके हैं, अभी हमने स्टाइल टैग को क्लोज नहीं किया, ऊपर आए हम पहले, है ना, तो बाकी हमने टाइटल वाइटल कर, अभी हेड टैग जो हमने क्लोज अगर कर दिया था, टाइटल टैग के बाद क्लोज करते हैं, तो उसको क्लोजिंग टैग को हटा लेंगे थोड़ी देर के लिए, और आ जाएंगे जहाँ हमने बैकग्राउंड, जहाँ हमने अभी राइट ब्रेस क्लोज किया है, वहाँ पर अपना कर्सर लेके आ जाएंगे, राइट ब्रेस के बाद स्पेस बनाएं, और अब हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट टैग ओपन करेंगे H1
करेंगे एच वन, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एच वन ग्रेटर लेस एच वन ग्रेटर आपकी मर्जी है, मैंने डायरेक्ट ओपन किया है सी एस एफ इंटरनल सी एस एफ में करते हैं एच वन ग्रेटर। उसके बाद हमने यहाँ पे किया है एच वन ग्रेटर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लेफ्ट ब्रेस किया है एच वन ग्रेटर, फिर उसके बाद लेफ्ट ब्रेस। लेफ्ट ब्रेस करने के बाद मैंने किया है यहाँ पर बैकग्राउंड माइनस कलर सेमी कोलन, फिर जो कलर मैंने पिंक दे रही हूँ यहाँ ये रेड दे देते हैं, रेड दिया, रेड दे के कोलन, फिर क्या करेंगे राइट ब्रेस। समझ में आई बात? अभी हमने स्टाइल टैग ओपन करके हमने क्या किया था, स्टाइल टैग ओपन करके हमने बॉडी का कलर चेंज किया था, ये सब कुछ स्टाइल में जा रहा है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर। अभी मैं चाह रही हूँ कि मेरे पेज का सेम कलर ना रहे और हेडिंग का बैकग्राउंड कलर कुछ और हो, है ना, मतलब तो मैंने क्या किया अभी हेड टैग जो क्लोज कर दिया था उस क्लोजिंग टैग को खोला, और यहाँ पर मैं जहाँ मैंने राइट ब्रेस कर दिया था बैकग्राउंड कलर देके बॉडी का, वहाँ पे मैंने अपना कर्सर लाया स्पेस करके, वहाँ राइट ब्रेस के बाद एक स्पेस बना के फिर हमने किया यहाँ पर एच वन ग्रेटर, फिर एच वन ग्रेटर डायरेक्ट खोल लिया है, टैग हमने ओपन कर लिया है, फिर उसके बाद हमने किया यहाँ पर लेफ्ट ब्रेस। लेफ्ट ब्रेस के बाद बैकग्राउंड माइनस कलर कोलन, और फिर जो कलर देना है वो कलर का नाम दे के फिर कोलन फिर राइट ब्रेस, फिर आप अपना जो था हेड टैग उसको क्लोज कर दो, और अब आप जितनी भी हेडिंग्स बनाओगे हेडिंग लेवल 1 से लेकर 6 तक हेडिंग का बैकग्राउंड कलर कुछ और होगा, स्टाइल जो टैग है जो स्टाइल अप्लाई किया है वो स्टाइल तो अप्लाई हो ही होगा ही, वो तो वही अप्लाई होगा क्योंकि ये इंटरनल सी एस एस है, लेकिन हेडिंग का बैकग्राउंड कलर और होगा और बॉडी का पूरी बैकग्राउंड कलर और होगा, लेकिन ये तब तक विजुअलाइज नहीं होगा जब तक लास्ट में बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद जो भी टैग्स आपने ओपन करें चाहे लिस्ट बनाएंगे कुछ भी बनाए सबको क्लोज करने के बाद, बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे लेस स्लैश स्टाइल ग्रेटर ये करोगे, फिर आप जब HTML टैग को क्लोज करोगे तब जाके ये आपका विजुअलाइज होगा, अदरवाइज आप इस इंटरनल CSS का इफेक्टिव यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका जो इफेक्टिव इफेक्ट है वो आपको बेहतरीन तरीके से नहीं मिलेगा, यूज़ हो ही नहीं पाएगा, विजुअलाइज हो ही नहीं पाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको कल तो हमने और आज का तो पढ़ा दिया, अब हम आपको 4th May या 5th May को पढ़ाएंगे, हो सकता है 4th May की भी छुट्टी रहे तो हम 5th May को पढ़ाएंगे, नहीं रखी छुट्टी मैंने तो फिर 4th और 5th का एक साथ करवाऊँगी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, थैंक यू सो मच।